अस्सलाम वालेकुम। चार चीजें और आपकी स्किन ठा 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 ग्लोइंग। क्या होता है जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद अपनी शक्ल की हालत बिगड़ जाती है और कोई परवाह नहीं होती। फिर जब आती है, जब लोग कहते हैं हाँ ये तुम्हें क्या हो गया, हाँ तुम्हें क्या हो गया, तो मैं कहूंगी हाँ की बजाय हाँ आ जाए। ये चार चीजें अप्लाई करें और सबसे अच्छी स्किन आपकी हो जाएगी। ये चीजें बहुत सस्ती हैं, पाकिस्तान में आराम से अवेलेबल हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं और आप सुकून से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को बेसन अप्लाई करें सबसे पहले अपनी स्किन के लिए, वो बेस्ट 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 होता है। कुछ लोग ससुराल में रहते हैं, बेसन कहाँ से लें, क्या करें, बाथरूम गंदा हो गया, याद नहीं रहा, ये वो फलाना, तो आप उसकी जगह ये एप्रिकॉट सेंट आइव्स का फ्रेश स्किन एप्रिकॉट स्क्रब है। एक्सीलेंट रिसर्च है इसकी, एक्सीलेंट मैंने यूज किया है, मेरी अम्मी यूज करती है, मेरी भाभी यूज करती है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, किसी किस्म की एलर्जी, सेंसिटिव स्किन, हर किस्म की, मेरी स्किन जितनी सेंसिटिव है उतनी कोई है ही नहीं, लेकिन इसके साथ आपको कोई एलर्जी नहीं होगी। ये 100% नेचुरल है, ये बाहर का है, एक दफा ले लें मुकता ही नहीं, करती नहीं। हफ्ते में एक दफा आपने ये करना है, 2 मिनट आपने बस लगाना है, गीले थोड़े से बाद में थोड़ा सा रब करना है, जहां ब्लैक हेड्स है वहां करना है, उसके बाद आपने मुंह पानी से धोया और कोई भी मॉइस्चराइजिंग, बेशक पॉन्ड्स की, वेजलीन की, जो आपको सूट करती है, नीविया फलाना फलाना जो आप लगाती हैं लगा लें, दैट्स इट, कोई टेंशन नहीं। हफ्ते में एक दफा ये करना है। उसके बाद रेगुलर रूटीन में क्या करना है, ये गार्नियर का फेशियल स्क्रब। फेशियल स्क्रब क्यों, स्किन आपकी जो है ना, जब हम डिलीवर करते हैं ना, तो स्किन पे छोटे 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 दाग बनना शुरू हो जाते हैं, छोटे 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 रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, वो जो हम प्रेशर अप्लाई किया था जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसकी वजह से होता है। ये क्या करता है, उनको कम कर देता है, उन दागों को आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाता है और आपकी स्किन जो है वो दोबारा से फेयर होना शुरू हो जाती है। मेरी बात एक याद रखें, जिंदगी में जो बंदा, अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन शक्ल पे पैदा किया, गोरे काले को गोरे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, गोरे को काले होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाएं, आपका नसीब, आपका मुकद्दर, आपके काले गोरे नीले पीले होने से नहीं लिखा गया, वो अल्लाह ने अपने हाथ में लिखा है, ठीक है। ये कोई मैं चिट्टा होने के लिए स्क्रब नहीं करी, आपकी स्किन को अच्छा, क्योंकि इसमें लेमन है और लेमन जो होता है ना, वो आपके जो मुंह के ऊपर जो धब्बे होते हैं, जो छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं ना, वो उनको खत्म करने में हेल्प करता है। डायरेक्ट लीमू अपने मुंह पे कभी नहीं अप्लाई करना चाहिए, वो एसिड तेज होता है और मुंह स्किन जल जाता है। सेंसिटिव लोग ये गलती कर देते हैं और फिर बहुत डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं। अच्छा, बेशक आप दिन को इससे एक दफा मुंह धो लें, रात को धो लें, अगर आपकी ऑयली स्किन है 2 दफा धो लें, जब आपको टाइम मिले आप 2 दफा इसको, अगर जब एक रूटीन बना लें आप, आपने रात को करना है तो रात को ब्रश किया, ये बाथरूम में रखा है आपने, इसके साथ मुंह धो लिया, इससे बाद मुंह धोने के बाद आपने ये तिब्बत सनो ये लगा लेनी है। इससे क्या होगा, ये बहुत सस्ती क्रीम है, इसके इसके इतने फायदे कि मैं कहती हूँ मुझे पहले क्यों नहीं पता था, इससे सारे दाने, सारे फाइन लाइंस, रिंकल्स, फलाना टिमाका सब खत्म हो जाएंगे। कोई महंगी नहीं है, कोई लल्लू पच्ची करने की जरूरत नहीं, एक दफा खरीदें, मुंह पे अच्छे से लगाएं और 2-4 घंटे अगर सुबह के वक्त हल्की सी लगा लें, ठीक है, उसके बाद काम शाम करें, जो मर्जी करें, अगर नहीं सुबह लगा सकते रात को लगा लें, हल्का सा लगा लें। अगर रात को कुछ हस्बैंड होते हैं इच्छी किस्म के होते हैं, स्मेल आ रही है, फलां हो गया फलां, तो आप दिन को लगा लें, अगर नहीं तो रात को लगा, जिस वक्त आप धूप में जा रही हैं, शॉपिंग करने जा रही हैं, उस वक्त भी लगा लें तो ये आपको जो है ना काफ़ी बेहतरी लाएगा। अगर आपके डार्क सर्कल्स पड़ गए, बच्चों को सुलाने के लिए ये कर दिया वो कर दिया, वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे, आपकी फाइन लाइंस पड़ गई, आपकी रिंकल्स पड़ गई, अब आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर है ही क्लियर, चलो बहुत लकी हैं आप, फिर क्या होगा, ये आपको एजिंग से बचाएगा। वो जो आप मिरेकल क्रीमें, फलानी क्रीमें, ये क्रीमें हज़ारों की खरीदती हैं ना, वो उनके पैसे आप अभी बचा लें, तो ये बेस्ट है। मैंने अप्लाई किया, मेरी कज़न्स, मेरी खालाएं, मेरी मामियां, मेरी चाचियां सब ने अप्लाई किया, उसके बाद मैं बता रही हूँ। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये बायो ऑयल है, स्किन केयर ऑयल। क्या होता है जब बच्चा डिलीवर होता है तो हमारे पेट के ऊपर जो है वो लाइंस पड़ जाती है, वो लाइंस क्यों पड़ती है उसकी भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी।
अब क्या होता है जैसे जैसे आपकी स्किन अभी यकदम होती है ना, उसको 40 दिन के अंदर अंदर तो उसके बहुत ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। मेरे तो भाई ख़त्म हो गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर नहीं ख़त्म हुए तो ये ऑयल जो है ना ये होता है, अगर आपका कहीं हाथ जला बचपन में उसका मार्क है तो, अगर कहीं मॉइस्चर कम है तो, कोई कोई दाग है तो ये अप्लाई करने के लिए बेस्ट है। ये मैंने अप्लाई किया, मगर इसका मसला ये कि ये आपको अमेजोन से मिलेगा या इम्पोर्टेड दुकानों से, ये थोड़ा महंगा है लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा है। तो अगर आप इसको, अगर आपके पास पैसे हैं और आप इसको ले सकते हैं तो ये ज़रूर ले लें, अपनी लाइंस पे लगाएं, जहाँ जहाँ सेलुलाइट है उसको बोलते हैं वहाँ पे लगाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके दाग ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप, इसके अलावा वैसे ये 4 चीज़ें तो मिनिमम है और इनसे बेहतरीन स्किन हो जाती है। अगर उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा और नहीं, ये भी हो वो भी हो, तो एलोवेरा जेल बहुत सस्ती मिलती है, 200-300 की, वो इतनी होती है कि साल भर काफ़ी होती है, वो लगा लें बेस्ट है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, ये ऑयली स्किन के लिए भी है और वो भी है। अच्छा, अगर आप लोग बेसन लगाना चाहते हैं बेसन लगा लें, बेसन से कुछ लोगों को होती है जी एलर्जी, होती है, मेरी मदर को है, ठीक है। आप उसको क्या करें, आप फिर बेसन और सल्फेट, बेसिकली आपको सल्फेट से फिर इसका मतलब एलर्जी, या फिर आप सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लेस ऑयल वाली प्रोडक्ट यूज़ करेंगी, अगर आपकी स्किन है जिसमें ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप कुछ भी अप्लाई करें उसके बाद मॉइस्चराइज करें, ठीक है। एंड लव यू, टेक केयर ऑफ योर स्किन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हेल्प, हैप्पी मॉमिंग, हैप्पी बीइंग अ मॉम, खुश रहें, ग्लो करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इंशाल्लाह चमो चम कर सो तुसी।